वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल बेशक प्रॉपर्टीज़ पे। दोस्तों आज का जो घर आप देखने जा रहे हैं, बेहद शानदार लोकेशन के ऊपर एक खूबसूरत घर जिसे हम बोलते हैं, एग्जैक्टली वैसी चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और ख़ास चीज़ ये भी है कि बिल्कुल एक बजट के अंदर आपको मिलने वाली है। और मेरे खास वो दोस्त जिनको चाहिए कि एक 30 से 35 की बजट के ब्रैकेट के अंदर एक घर चाहिए, तो एग्जैक्टली ये घर मेरा उन्हीं दोस्तों के लिए 140 गज के अंदर बना हुआ 3 बेडरूम हॉल किचन आपको बहुत ही शानदार यहाँ पर मिलने वाला है। तो घर दिखाने से पहले ना मैं आपको आसपास के जो एरिया हैं उनका थोड़ा सा मुआयना करा देता हूँ। तो पहले चलते हैं एरियाज के पास, फिर वापस यहीं से शुरू करेंगे अपने घर की। तो दोस्तों ये है हमारी 200 फुट रोड जो कि हमें दारा स्टूडियो की तरफ ले जाती है सेक्टर 124 से। तो दोस्तों एरिया आपका अच्छा खासा डेवलप यहाँ पर हो रहा है, मेरे आसपास बिल्डिंग्स हैं जो काफ़ी अच्छी बन रही हैं। मेरे पीछे भी आप एरिया देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा बन चुका है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा इस तरफ दिखाता हूँ यहाँ पर एरिया की डेवलपमेंट, तो आपको नज़र आएगी एक बिल्डिंग जो कि बिल्कुल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से रेंट आउट की गई है पूरी की पूरी स्टूडेंट्स के लिए। एरिया काफ़ी अच्छे तरीके से या काफ़ी फास्ट यहाँ से डेवलप हो रहा है, काफ़ी तेज़ी के साथ डेवलप हो रहा है। यहाँ पर मंदिर मार्केट हर चीज़ आपको आसपास मिल जाएगी। चंडीगढ़ का डिस्टेंस भी यहाँ से बहुत कम रहता है, हाईवे का डिस्टेंस आपका बहुत कम रहता है और बिल्कुल पास में ही हमारे घर। तो सीधा पहुँचते हैं अपने घर के पास। तो दोस्तों यहाँ से हमारे घर का फ्रंट शुरू हो जाता है। एक वाइड एंट्रेंस के साथ आपको एक अच्छी खासी पार्किंग एरिया आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपके पास गाड़ियाँ ज़्यादा भी हैं तो यहाँ पर लगाने में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और घर का जो फ्रंट एलिवेशन है, बेहद शानदार आपको एलिवेशन यहाँ पर मिलने वाला है। बालकनी की तरफ भी अगर आप देखते हैं तो आपको जो है एक मॉडर्न डिज़ाइन के साथ ग्लास वर्क आपको यहाँ पर नज़र आएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम सीधा अपने घर की तरफ जो कि 140 गज के अंदर या फिर 1250 स्क्वायर फीट के अंदर हमें मिलने वाला है। आप नीचे की तरफ यहाँ फ्लोरिंग की देखेंगे तो सारी की सारी ग्रेनाइट मिलेगी, साथ में आपको स्टेयर के यहाँ पर मिलने वाला है। और साथ ही हमारा मेन एंट्रेंस डोर जो कि वायर मैश के साथ आपको मिलने वाला है। एक अच्छे साइज के साथ, एक अच्छे डिज़ाइन के साथ आपको यहाँ पर डोर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। और इसके साथ ही हमारा मेन एंट्रेंस डोर जो कि रहेगा वो आपका फ्लश डोर रहेगा, प्रॉपर लैमिनेटेड है, सालों साल चलते हैं ऐसे डोर्स, कभी ख़राब नहीं होते हैं, तो इन चीज़ों का फ़ायदा बड़ा होता है। और इसके बाद जो हमारा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया, और इसके लेंथ और विड्थ की तरफ देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि काफ़ी अच्छी साइज़ है यहाँ पर। 14x18 14x18 का जो साइज़ है हमें यहाँ पर अपना हमारे ड्राइंग और डाइनिंग एरिया के अंदर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा साइज़ है। आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो आपको स्पेस जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छे मायने में आपको नज़र आने वाले हैं। ईजिली आपका ड्राइंग और डाइनिंग आप सोफ़ा सेट रखें, 5 सीटर 7 सीटर, उसके अलावा अगर आपको लगता है कि हमने डाइनिंग टेबल साथ में अलग से रखना है तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो स्पेस वाकई बड़ी अच्छी है। और ख़ास चीज़ ये बता दूँ आपको, जो सीलिंग के ऊपर डिज़ाइन मिलने वाले हैं कंसील लैंप्स के साथ एज इट इज़ आपको मिलने वाले हैं। और प्लस फैंस आपको जितने हैं वो सारे मिलेंगे, हर रूम के अंदर आपको जो फ़ैन है वो हम ऑलरेडी आपको देंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती कई बार इतनी ज़रूरत होती है तो हम बाहर से लगवाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिशियन आते हैं लगाते हैं, कई बार ड्रिल होती है, कई बार कोई चीज़ें ख़राब होती हैं, तो उससे अच्छा कि हम आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें लगा के देंगे, वारंटी कार्ड्स के साथ आपको देंगे। और दोस्तों इसके साथ हमारा जो रहेगा यहाँ पर किचन जो कि एल शेप के अंदर काफ़ी अच्छे साइज़ के साथ आपको मिलने वाला है, ड्यूल टोन आपको मिलेगा यहाँ पर किचन का। लुक्स ही नहीं, काम में भी काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है यहाँ पर। एल शेप बिल्कुल ग्रेनाइट का टॉप आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ऊपर सारे के सारे कैबिनेट्स आपको जो है काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ आपको मिलने वाले हैं। और स्टोरेज अगर आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इसलिए सारे के सारे जार जो है वो आपके आराम से आएंगे। और जितने भी आप प्लाई देखेंगे वो सारी के सारी डबल लेमिनेशन है, अंदर बाहर दोनों तरफ से लेमिनेटेड है, ताकि आपकी जो प्लाई है उसकी ड्यूरेबिलिटी वो सालों साल रहे, सालों साल चले। उसके अलावा आपको बीच में जो आप चिमनी आप देख रहे हैं आपको एज इट इज़ मिलने वाली है हिंदवेयर की तरफ से, और प्रॉपर स्टोरेज आपको हर तरफ मिलने वाली है, अच्छे से कैबिनेट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद आपको जो है आरो हम ऑलरेडी आपको लगा कर दे रहे हैं, वो छोटी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत हर घर के अंदर होती है लेकिन बाद में हमें लगानी पड़ती है, तो हम आपको पूरी लगा कर दे रहे हैं। जैसे कि आपका जो गीज़र है वो एज इट इज़ हम आपको लगा के दे रहे हैं, आप देखेंगे किचन में भी आपको इतना बड़ा गीज़र मिल रहा है,
यूजली किचन में जो गीज़र लगते हैं बिल्कुल छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन हम आपको एक प्रॉपर साइज़ का दे रहे हैं, सर्दियों में ज़रूरत होती है इसकी। फ़ैन आपको किचन में ऊपर दे रहे हैं हम छोटा सा, एग्जॉस्ट आपको ऑलरेडी लग के मिलेगा। उसके अलावा एक बड़ी सी खिड़की आपको यहाँ पर किचन के अंदर मिल जाएगी, जहाँ से लाइट वेंटिलेशन पूरी प्रॉपर रहने वाली है। डबल सिंक और ब्रांडेड टैप्स आके विद वारंटी आपको पूरे मिलने वाले हैं। एक अच्छी खासी किचन जिसे हम बोलते हैं एग्जैक्टली, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 10x8.5 की किचन है यहाँ पर। आप इजीली अगर इस तरफ अपना फ्रिज भी रखते हैं तो उसके बाद भी हमारे पास जो स्पेस है वाकई बहुत बहुत अच्छी मिल जाती है यहाँ पर। तो दो लोग या तीन लोग यहाँ पर काम कर रहे हो, वर्किंग है किचन के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्पेस बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर यूटिलाइज़ की हुई है, तो ओपन किचन के साथ एक अच्छा डिज़ाइन भी कह सकते हैं हम इसको। तो ये एक अच्छा आइडिया भी है घर को डिज़ाइन करने का, कि अगर आप किचन को एक तरफ रख देते हैं तो स्पेस आपके पास जो यहाँ पर काफ़ी अच्छी निकल आती है। और उसके बाद एक खास चीज़ है यहाँ पर हमारे पास, ठीक इस तरफ हमारे पास एक कॉमन वॉशरूम है, और वॉशरूम का साइज़ आप देखेंगे तो वाकई आपका मन डोल जाएगा इसको देखते ही। एक अच्छा खासा साइज़, एक अच्छे खासे कलर्स के साथ आपको पूरी वॉशरूम यहाँ पर मिलने वाला है। काफ़ी अच्छे टेक्सचर्स आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर, जितने भी आप टाइल वर्क देखने वाले हैं। सीलिंग पर आपको जो है एक फ़ैन यहाँ पर लगा दिया है। लगाने का मतलब यह है कि अगर आपको गर्मी लग रही है ना नहाते नहाते, तो ऑन कर लेना। गीज़र आपको पूरा प्रॉपर यहाँ पर मिलने वाला है। प्रॉपर सिंक आपको, डिज़ाइनर सिंक यहाँ पर मिल जाएगा। एक शानदार वॉशरूम आपको यहाँ पर मिल जाता है। और उसके साथ हमारे पास यहाँ पर हमारे घर का फर्स्ट बेडरूम, एक अच्छे लुक्स के साथ, एक अच्छे साइज के साथ आप जो चीज़ें देख रहे हैं वो एज इट इज़ आपको मिलने वाली है। यहाँ से कुछ हटाया नहीं जाएगा, सिर्फ हमने अपने बेड लाने हैं, लगाने हैं, और हमारा काम हो गया। जी हाँ, प्रॉपर 12x10 का आपको बेडरूम मिल जाएगा, जिसमें आपको एक अच्छी खासी वार्डरोब आपको मिल जाएगी। अगर आप हैंडल्स की तरफ देखें तो काफ़ी अच्छे हैंडल्स मिलेंगे। अगर ऊपर आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है तो ये आपका सिर्फ लेमिनेशन है, ये उतर जाएगी। उसके बाद आपके जो नीचे लुक्स है समाएगा कि वो काफ़ी अच्छी खासी आपको मिल जाती हैं। तो ये हमारा गेस्ट बेडरूम था, तो इसके बाद हम सीधा बढ़ते हैं अपने बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर हमारा जो है मेन बेडरूम आपके घर का यहाँ पर आ जाता है। प्रॉपर 13x14 का साइज़ हमें यहाँ पर मिल जाता है। आप इजीली 13x14 में अगर आप बेड लगाते हैं तो हमारे पास स्पेस जो यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल जाती है। आप इमेजिन कीजिए, आपका बेड यहाँ पर लगा हुआ है, सीलिंग पर फ़ैन आपको एज इट इज़ यहाँ पर मिल रहा है, वार्डरोब्स आपको यहाँ पर इनबिल्ट मिलती है, कोई बाहर की तरफ नहीं है। 14x13 का स्पेस है तो वो आपकी ही है बिल्कुल, उसमें आपका कुछ और नहीं आएगा। और इसको मैं अंदर से भी दिखाऊंगा तो अंदर से भी आपके पास जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। डीप है काफ़ी, ये ड्रॉर्स आपको पूरे मिलेंगे, और प्रॉपर MDF जो बोर्ड होता है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो जो लोग इस बोर्ड के बारे में जानते हैं उनको पता है कि इसकी लाइफ जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो कभी टर्बाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ना ये कभी ख़राब होता है, ना मुड़ता है या कुछ और। तो एक अच्छे साइज़ के साथ हमें जो है हमारा बेडरूम जो है यहाँ पर मिल जाता है। और एक शानदार चीज़ आपकी जो इसके बेडरूम के साथ जो वॉशरूम है वो आपको यहाँ पर अटैच मिलने वाला है। और अगेन जो वॉशरूम की फिटिंग्स है वो एज इट इज़ आपको मिलती है यहाँ पर। लुक्स हर तरफ से, हर तरीके से आपकी बेहद शानदार है और बेहद खूबसूरत है, चाहे वो टाइल्स के कलर कॉम्बिनेशन हो या चीज़ें हो, सारी पूरी प्रॉपर आपको मिलने वाली हैं। गीज़र आपको एज इट इज़ मिलने वाला है, सीलिंग के साथ तक आपका जाती है पूरे ये। उसके अलावा जो आपकी वैनिटी है वो आपको पूरी यहाँ पर मिलती है, पूरे एक अच्छे लुक्स के साथ, एक अच्छी क्वालिटी के साथ। और दोस्तों यहाँ पर ही हमारे जो घर की विंडो है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा आपके पास ऊपर जो है इसी के पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो और यहाँ से हमारा जो वॉशिंग एरिया है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप इजीली अपनी फ्रंट लोडिंग मशीन है वो यहाँ पर रख सकते हैं। और दोनों साइड से ओपन है तो हमारे पास वॉशिंग और क्लोथिंग के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस है यहाँ पर। तो वापस बढ़ते हैं अंदर की तरफ और चलते हैं अपने नेक्स्ट बेडरूम की तरफ।
दोस्तों ठीक, यहाँ पर हमारा घर का थर्ड बेडरूम, अगेन हमारे पास सेम साइज़ आने वाला है यहाँ पर, 14x13 का एक अच्छा साइज़ जैसा हमने पहले देखा था, वैसे ही आप यहाँ पर जो है अपने बेड्स लगाने के बाद हमारे पास जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छी आ जाएगी। और जो लोग इस लोकेशन के बारे में अच्छे से जानते हैं उनके लिए ठीक है, अगर नहीं जानते तो आपको बता दूँ यहाँ पर 5 आपको जो है अच्छे खासे वर्किंग हॉस्पिटल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स आपको यहाँ पर 3 मिल जाएंगे, इसके अलावा मार्केट, गुरुद्वारा साहब, मंदिर, मस्जिद, ये हर चीज़ आपको ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और चंडीगढ़ का डिस्टेंस जो यहाँ से रहेगा आपका 6-7 किलोमीटर का ही है सारा, एक अच्छा एरिया है। आईटी पार्क भी आपका बिल्कुल पास में है, आप इजीली किसी भी लोकेशन से आते हो यहाँ पर कनेक्ट करते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर हमारा बजट कम है तो ये लोकेशन आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर एप्रिसिएशन होने वाली है, क्योंकि रोड जो है यहाँ पर पूरी कंप्लीशन पे है, तो कंप्लीट होते ही हर चीज़ के लिए रेट्स है वो हमेशा बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको वार्डरोब जो है वो सीलिंग की हाइट तक मिलने वाली है एक अच्छे डिज़ाइन के साथ, और उसके बाद एक बड़ी सी खिड़की हमें इस बेडरूम के अंदर मिल जाती है जहाँ पर आप अपने चाहे विंडो एसी लगाएं चाहे आप स्प्लिट लगाएं। और इस बेडरूम के साथ आपको स्टोर कम पूजा रूम आपको यहाँ पर मिल जाता है, जहाँ पर ऊपर शेल्फ आपको हमने लगा कर दी है और सीलिंग पे लैंप्स जो है वो हर जगह हमने आपको दिए हैं। दोस्तों एक बिल्कुल बजट के अंदर घर अगर आप देख रहे हैं तो एक्जैक्टली ये वीडियो आपने देखी आज की, उम्मीद है वीडियो आपको आज की अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, और आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे बजट वाले घर या ऐसे डिज़ाइन होम्स हम आपको और दिखा सकें। दोस्तों इस वादे के साथ हम फिर मिलेंगे एक नए घर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दूंगा, सत श्री अकाल।